वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो आज हम स्टीलर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, स्टीलर थ्योरी जो कि टेरिडोफाइट में आता है। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर स्टीलर थ्योरी टेरिडोफाइट्स में ही क्यों पढ़ते हैं, तो टेरिडोफाइट्स में ही जाइलम और फ्लोएम डेवलपमेंट स्टार्ट होना हुआ था। यानी कि जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले कहाँ बने, तो वो आपके टेरिडोफाइट से ही बने। इसीलिए आपके एल्गी और ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम का हम डिस्कशन नहीं करते हैं। इसीलिए आपको टेरिडोफाइट को वैस्कुलर का मतलब जाइलम फ्लोएम बना और ये टेरिडोफाइट है और ये क्रिप्टोगैमिया का मेंबर है, तो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। स्टील का मतलब ही होता है जाइलम फ्लोएम, पेरिसाइकल और पिथ को मिला करके स्टील बनता है। तो स्टील आखिर ये जाइलम फ्लोएम बने कैसे और डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए, इनको समझने के लिए सबसे पहले वॉन टीघम और डॉलिट आए। क्या? वॉन टीघम और डॉलिट ने स्टीलर थ्योरी दिया कि भाई जाइलम और फ्लोएम बने कैसे होंगे और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे। उन्होंने कहा कि जो ये स्टील होता है वो दो तरीके का होता है, एक प्रोटो स्टील होता है, एक साइफनो स्टील होता है। प्रोटो स्टील में पिथ नहीं पाया जाता। क्या? पिथ नहीं होता। पिथ आपको पता है क्या होता है? पिथ जो होता है वो क्रॉस सेक्शन काटने पर जो बीच में सेंट्रल कैविटी दिखती है उसको हम लोग पिथ बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटो स्टील में पिथ नहीं होता है और साइफनो स्टील में पिथ धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गया, यानी कि बन गया पिथ, बीच में कैविटी आपको दिखाई देगी। इसका मतलब पिथ का पाया जाना एडवांस कैरेक्टर है। इसका मतलब साइफनो स्टील इज़ मोर एडवांस देन प्रोटो स्टील। ठीक है, अब देखिए प्रोटो स्टील जो होता है सबसे पहले आया, यानी कि मोस्ट प्रिमिटिव होगा, पुराना है, पिथ नहीं पाया जाता इसमें तो पिथ की जगह पर सॉलिड जाइलम पूरा ठसाठस अंदर, ये है आपका पूरा जाइलम पूरा भरा होता, कोई भी कैविटी अंदर दिखाई नहीं देगी आपको। ठीक है, और प्रोटो स्टील टर्म किसने दिया था? जेफरी ने दिया था। ठीक है, और स्टीलर थ्योरी अगर पूछा जाएगा तो वॉन टीघम और डॉलिट ने दिया था। अब देखिए प्रोटो स्टील में भी हैप्लो स्टील होता है और एक्टिनो स्टील होता है। हैप्लो स्टील कह रहा है कि जाइलम स्मूथ होता है सराउंडेड बाय फ्लोएम, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये अंदर जाइलम है और बाहर की तरफ ऐसे ये फ्लोएम इस पर चिपका होगा। ठीक है, तो और इसमें कोई भी खाली जगह नहीं होगा, यानी कि पिथ नहीं पाया जाएगा, तभी तो प्रोटो स्टील के अंदर आता है ये, तो ये हैप्लो स्टील कहलाएगा। हैप्लो स्टील किसमें पाया जाता है? सिलेजिनेला। आप स्पीसीज भी याद रखेंगे क्योंकि सिलेजिनेला में बहुत सारे पिथ पाए जाते हैं। सिलेजिनेला क्राउजियाना में पाया जाता है। सिलेजिनेला क्राउजियाना में प्रोटो स्टील में भी हैप्लो स्टील पाया जाता है और राइनिया टाइप प्लांट जो कि फॉसिल प्लांट होते हैं इनको राइनिया बोलते हैं, तो इनमें प्रोटो स्टील में भी आपका हैप्लो स्टील पाया जाता है। इसके अलावा एक होता है प्रोटो स्टील का टाइप एक्टिनो स्टील। ठीक है, जिसमें होता क्या है कि आपका जो फ्लोएम होता है, जैसे देखिए मान लीजिए ये जाइलम है। ठीक है, ये तो जाइलम है। ठीक, जाइलम कोई पिथ नहीं दिखाएंगे, लेकिन फ्लोएम कंटिन्यूअस ना होने के बजाय ये ऐसे स्टार शेप में इस पर चिपक जाता है ऊपर। ठीक है, स्टार यानी कि पैच के फॉर्म में फ्लोएम पाया जाता है, इसीलिए इसको एक्टिनो स्टील बोला गया। जाइलम फॉर्म कंटिन्यूअस बट फ्लोएम श्रिंक माने सिकुड़ जाता है। ठीक है, स्टार आंदा जाइलम के ऊपर। अब ये किसमें एक्टिनो स्टील किसमें पाया जाता है? देखिए एक्टिनो स्टील में बहुत सारे टाइप होते हैं, तो एक्टिनो स्टील लाइकोपोडियम सिरेटम में पाया जाता है। किसमें? लाइकोपोडियम सिरेटम में पाया जाता है। और एक्टिनो स्टील में भी अगर जाइलम जो है ये आपका पैच डिस्क के फॉर्म में बना लिया, उसको बोलते हैं प्लेक्टो स्टील बोलते हैं। और प्लेक्टो स्टील जो होता है वो लाइकोपोडियम क्लेवेटम में पाया जाता है। तो लाइकोपोडियम सिरेटम में एक्टिनो स्टील, ठीक है, यानी कि प्रोटो स्टील के अंदर भी एक्टिनो स्टील और प्रोटो स्टील के भी एक्टिनो स्टील के भी प्लेक्टो स्टील में लाइकोपोडियम क्लेवेटम पाया जाता है। तो ये पूरा था प्रोटो स्टील के बारे में। अगर प्रोटो स्टील को आप ऐसे याद करना चाहते हो ट्रिक से, तो एक छोटा सा ट्रिक है, आप अपने से भी ट्रिक बना सकते हो। देखिए प्रो याद रखिए, प्रोहा। क्या? प्रोहा से कारे। ठीक है, यानी कि प्रोहा मान लीजिए कोई लड़की है तो उसे हम कह रहे हैं प्रोहा, प्रोहा प्रोहा से कारे। ठीक है, जैसे बोलते हैं कारे बोल देते हैं, तो प्रोहा से कारे। उसके बाद घर में एसी लगवाना है और प्लाई लगवाना है। ठीक है, तो प्रोहा से कारे एसी लाई से। ठीक है, लाई से बोलते हैं ना बंगाली में, तो प्रोहा से कारे एसी लाई से प्लाई करवाया। ठीक है, तो प्रोहा से कारे एसी लाई से प्लाई करवाया। देखिए प्रोहा, प्रो का मतलब प्रोटो स्टील, हा का मतलब इसमें हैप्लो स्टील आता है, और हैप्लो स्टील का एग्जांपल है से का मतलब सिलेजिनेला, का मतलब क्राउजियाना, रे का मतलब राइनिया टाइप। ठीक है, और इसके बाद एसी का मतलब एक्टिनो, लाई का मतलब क्या होता है? लाइकोपोडियम, से का मतलब हो गया सिरेटम, और यहाँ पे प्लाई का मतलब पी एल वाई, प्लाई का मतलब प्लेक्टो
और लाई का मतलब लाइकोपोडियम, करवाया का मतलब क्या हो गया, क्लेवेटम हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब आइए साइफनोस्टील में। साइफनोस्टील में कह रहा है कि ये एडवांस होता है विद सेंट्रल कैविटी यानी कि पिथ इसमें पाया जाता है। तो जो भी स्ट्रक्चर इसमें आप ड्रा करेंगे बीच में आप खाली जगह दिखाएंगे। अब देखिए साइफनोस्टील जो होता है आपका एक्टोफ्लोइक होता है और एम्फीफ्लोइक होता है। एक्टोफ्लोइक का मतलब कि फ्लोएम खाली एक तरफ पाया जाएगा और एम्फीफ्लोइक का मतलब बाहर भी फ्लोएम होगा, अंदर भी फ्लोएम होगा और बीच में जाइलम होगा। तो एक्टोफ्लोइक का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो देखिए क्या होता है इसमें। तो पहली बात तो कैविटी होगा तो कैविटी दिखाएंगे, उसके बाद ये जाइलम दिखाओगे, उसके बाद ये फ्लोएम एक तरफ खाली दिखाओगे। तो इसको बोलते हैं एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील, ठीक है। जाइलम कैविटी विद पिथ होता है, इसमें कौन सा आएगा, ऑस्मुंडा आएगा, ठीक है। अब देखिए एम्फी कैसे दिखाओगे आप, एम्फी जो है एक कैविटी दिखाओगे, फिर फ्लोएम दिखाओगे, फिर जाइलम दिखाओगे, फिर फ्लोएम दिखाओगे, मतलब एम्फी का मतलब दोनों तरफ, ठीक है। एम्फीबिया नाम सुना ना, एम्फी का मतलब दोनों तरफ। तो अगर ये आ गया एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील तो फ्लोएम दोनों साइड में होगा, जैसा कि एडियंटम और मार्सिलिया में पाया जाता है एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील। अब देखिए इसी एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील में जो दोनों तरफ पाया जा रहा है, अगर उसमें एक ट्रेस निकल गया, लीफ गैप निकल गया, क्या निकल गया, लीफ गैप। लीफ गैप का मतलब होता है कि ये पहले कंटिन्यूअस था, अब जो है छोटा सा पोर्शन कट के बाहर निकल गया। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा पोर्शन कट गया, इसको लीफ गैप। तो एक लीफ गैप होगा तो उसको सोलिनोस्टील बोलेंगे, बहुत सारे लीफ गैप होगा तो उसको डिक्टियोस्टील बोलेंगे। किसमें, एम्फीफ्लोइक में, ठीक है। तो सोलिनोस्टील में एक्टोफ्लोइक, अगर फ्लोएम एक तरफ होगा तो एक्टोफ्लोइक, अगर फ्लोएम दोनों तरफ होगा तो एम्फीफ्लोइक। अगर डिक्टियोस्टील में देखें तो डिक्टियोस्टील में क्या होगा, ढेर सारे क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे पैच बन जाएंगे। और पॉलीसाइक्लिक में क्या होगा, ये बहुत सारा साइकिल बन जाएगा, और पॉली स्टीलिक में ये ढेर सारा स्टील बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा था आपका साइफनोस्टील। तो साइफनोस्टील का अगर याद रखना चाहते हैं तो एक ट्रिक है साइफनोस्टील के लिए, एक का मतलब एक्टो, ठीक है। एक ऑस्मुंडा, क्या, एक ऑस्मुंडा, एक ऑस्मुंडा का मतलब एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील ऑस्मुंडा में पाया जाता है। एक ऑस्मुंडा आम आदमी केजरीवाल नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, ठीक है, यहाँ आम आदमी और हमारे जैसे लोग, ठीक। तो एक ऑस्मुंडा आम आदमी, एक ऑस्मुंडा का मतलब एक्टोफ्लोइक, ऑस्मुंडा का मतलब ऑस्मुंडा में पाया जाता है, आम का मतलब एम्फीफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक में भी आदमी और एक आम आदमी मर गया, आदमी का मतलब एडियंटम, मर का मतलब मार्सिलिया, गया तो ऐसे ही जोड़ दिया हमने। तो एक ऑस्मुंडा आम आदमी मर गया, तो एक मतलब एक्टोफ्लोइक ऑस्मुंडा में पाया जाता है, आम का मतलब होता है एम्फी, आदमी का मतलब एडियंटम, मर गया का मतलब मार्सिलिया में पाया जाता है, ठीक है। आम आदमी जब मर गया तो उसके बाद हमको सोने दो, ठीक है, सोने दो, सोने का मतलब सोलिनोस्टील और को का सोने दो, दो का मतलब डिक्टियोस्टील। तो एक ऑस्मुंडा आम आदमी मर गया सोने दो, ये साइफनोस्टील का हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद प्रोटोस्टील में क्या हो गया, प्रोहा से कारे एसी लाई से प्लाई करवाया, ठीक है, यानी कि हमको घर में प्लाई करवाना था। अब देखिए एक स्पेशल टाइप का हमने नोट लिखा है कि जो आपके सिलेबस में डिटेल में पढ़ना ड्रायोप्टेरिस फिलिक्स मैस, उसमें स्पेशल टाइप का पाया जाता है जिसको स्टील को हम लोग मेरी स्टील बोलते हैं। तो ये स्टीलर कॉन्सेप्ट था, इसको आप चाहे जैसे याद कर लीजिए समझ करके। थैंक यू।